स्टेप्स में होने चाहिए, किस में होने चाहिए, कैट स्टेप्स के अंदर। ये सब मैंने बॉडी लैंग्वेज बताया आप लोगों को कि इंटरव्यू के अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, आखिर में कुछ बार ड्रेसिंग के हवाले से होगी और बहुत अहम होगी, लाइफ लॉन्ग आप लोगों को ये बातें काम आएंगी। ओके, तो अब इंटरव्यू के अंदर पहला सवाल ये बैठा होता है अक्सर अमूमी तौर पर, चाहे वो सिविल का इंटरव्यू हो या आर्म फोर्सेस का हो, तो उस इंटरव्यू के अंदर पहली बात ये की जाती है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या गेट योर सेल्फ रिकॉग्नाइज फर्स्ट, व्हाट आर यू एंड व्हाट आर यू नॉट, इसमें से किसी भी जुमले का इंतखाब करके आपका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। सो अगर मैं कहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू गेट योर सेल्फ रिकॉग्नाइज, अपना तारफ करवाएं, तो ये तकरीबन 1 मिलियन का क्वेश्चन होता है अपना तारफ करवाना। तारफ के अंदर दो बातें याद रखें, एक बात यह है कि वो तारफ आपकी शख्सियत का मांग रहा है, आपका मांग रहा है, इट मीन्स के तारफ के अंदर ज्यादातर लफाजी आपने अपनी शख्सियत के ऊपर करनी है, दूसरों के ऊपर नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल के एम्फेसाइज आपने आई पे करना है, बी पे नहीं करना, मी पे नहीं करना, आपका तारफ है। तो आपके तारफ से मुराद ये है कि तारफ के अंदर ज्यादातर इंट्रोडक्शन भी आपका होना चाहिए। हाँ अगर टाइम मिलता है वो कहता है कि उसमें कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है, तो फिर उसमें यह है कि अपने इलाके का भी तारफ करवा सकते हो, अपने माँ बाप को भी करवा सकते हो, बहन भाइयों का भी करवा सकते हो, अगर टाइम देता है या क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है तब, अगर नहीं देता तो सिर्फ आप लोगों ने एम्फेसाइज करना है अपने तारफ के ऊपर, उसमें इधर एंड इधर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत मुख्तसर टाइम होता है और मुख्तसर टाइम के अंदर आप लोगों ने स्पेसिफिक इन बिटवीन लाइन अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना होता है। ओके, दूसरा सवाल इंटरव्यू के अंदर वो भी 1 बिलियन का सवाल होगा आपका, और वो ये होगा कि आप लोग पाकिस्तान आर्मी में जाना क्यों चाहते हैं, आप लोग पाकिस्तान आर्मी में जाना क्यों चाहते हैं, या कभी कभी वो इस सवाल को ट्विस्ट करते हैं बिल्कुल इसी अंदाज में, ये वर्डिंग होती है जो मैं आपके अल्फाज कहूंगा कि व्हाई वी शुड हायर इन पाकिस्तान आर्मी। मैं आपसे सवाल करता हूं, आप इंटरव्यूअर हैं, मैं इंटरव्यूअर हूं और आप इंटरव्यू देने वाले हैं, और मैं आपसे सवाल करता हूं कि भाई आई शुड हायर इन पाकिस्तान आर्मी, आपकी शख्सियत के अंदर ऐसा क्या है कि मैं आपको पाकिस्तान आर्मी के अंदर हायर करूं। सो इसका जवाब भी बहुत बड़ा कैलकुलेटेड, बड़ा स्पेसिफिक और टू द पॉइंट आप लोगों ने देना है। ये दूसरा सवाल लिख लें, अब कैसे देंगे, इनके जवाब में आप लोगों को बता सकता हूँ लेकिन यहाँ नहीं बताता, क्योंकि आप लोग फिर वही जवाब रटा के जाएंगे, रटी रटाई चीज है वो काबिले कबूल नहीं है, इसको अपने अल्फाज में लिखें, मुझसे हेल्प और आखिर में ले लें, उसके लिए मैं अल्फाज और तरीके के वारदात आपको बता दूंगा, लेकिन कोशिश करें कि अपने जो पॉइंट्स हैं वो दें। तीसरी बात, इंटरव्यू का एंड है, ऑल इज वेल दैट्स एंड्स वेल, पूरा इंटरव्यू आपका अच्छा हो जाएगा अगर आपने एंड अच्छा दिया। पेपर मार्किंग के अंदर भी जो मार्कर होता है वो आपको फर्स्ट पैराग्राफ देखता है और आखिरी वाला पैराग्राफ देखता है, बीच में जो बॉडी होती है ना उसके पास इतना टाइम होता है ना उसकी इतनी मेमोरी होती है, कोशिश करता है फर्स्ट एंड एंड, तो ऑल इज वेल दैट्स एंड्स वेल, कोशिश ये करें कि आपका इंटरव्यू का एंड भी बहुत बेहतरीन हो, आखिर में जाते जाते कुछ ऐसा कर जाएं कि उसके दिमाग में वो चीज नक्श हो जाए। सो एंड के ऊपर भी डेफिनेटली वो आपका रहा होगा, अगर आपका एटीट्यूड ऐसा होगा तो कोई ना कोई चीज आप लोग वहां पे ऐसे परफॉर्म करेंगे जिसकी वजह से पूरी की पूरी आपकी शख्सियत जो है वो पैनलिस्ट के अंदर पॉजिटिव जोन में आ जाएगी रादर देन नेगेटिव जोन। तो ये थोड़ा सा स्केच मैंने बताया आप लोगों को इंटरव्यू का, बाज अवकात होता ऐसे है कि अगर ये इनिशियल के अंदर तो खैर इतना लंबा चौड़ा इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन जो ISSB का है कभी कभार ISSB के अंदर इस किस्म की भी रिपोर्ट्स आई हैं कि वहाँ बैठने के लिए चेयर्स नहीं होती, बस जगह ऐसे भी रिपोर्ट हुई हैं चीज़ें, वहाँ सिर्फ आपसे मुलाकात की जाती है, और अगर कोई आपसे मुलाकात करे तो बजा मुलाकात का भी एक सेंसेबल तरीका है, अगर ना भी की जाए तो इसका भी आप लोगों को प्रोसेस आना चाहिए, ये भी आपकी शख्सियत साजी में करेक्टर बिल्डिंग में बड़ा किरदार अदा करेगी कि आपने मिलना कैसे। तो याद रखें, जब भी दो आर्मी चीफ को मिलते हुए देखें, जब भी दो सदूर को मिलते हुए देखें, जब भी आप फॉरन मिनिस्टर्स को मिलते हुए देखें, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो कुछ अनोखी होती है आम लोगों से। पिक्चर देखें आर्मी चीफ की, कभी वो मिलता है वज़ीर आज़म की पिक्चर देखें, दो सदूर को आपस में मिलता हुआ देखें, तो उसकी तस्वीर को थोड़ा 2 मिनट गौर से देखें कि वो मिलते कैसे। बेटा प्रोफेशनली मिलने के जो एटिकेट्स हैं वो 3 किस्म के हैं, तो मिलने के भी 3 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला ये है कि जब भी आपको किसी से मिलें, उसके लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, वो आम
जिंदगी के अंदर तो हम नेगेटिव सेंस में लेते हैं, लेकिन ये है कि इसको आप लोगों ने पॉजिटिव पिक्चर्स में लेना है। वो फार्मूला है सेक्स, एस ई एक्स। अनफॉर्चुनेटली माशरे के अंदर सेक्स का लफ्ज़ सिर्फ वो अनएथिकल टैक्टिक्स के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये मुलाकात का एक प्रॉपर फार्मूला है सेक्स। सेक्स से मुराद ये है कि जब भी आप लोग मिले किसी से, चाहे आप सिविल डिपार्टमेंट है या आर्म फोर्सेस के अंदर है, तो मुलाकात के ये तीन प्रिंसिपल हैं। और पहला प्रिंसिपल ये है कि आपके चेहरे के ऊपर स्माइल हो, दूसरा फिर हल्की सी स्माइल। अक्सर ये कहा जाता है कि आर्मी के अंदर संजीदा लोगों को लिया जाता है, बेटा यकीनन लिया जाता है, लेकिन स्माइल जो है वो ऐसी चीज़ है जो संजीदा लोगों के चेहरे पर भी होती है। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है कि बिल्कुल संजीदा लोग, नो, स्माइलिंग फेस जो है वो चाहे आर्म फोर्सेस हों, चाहे वो सिविल डिपार्टमेंट हों, हर जगह उसको अप्रिशिएट किया जाता है। तो पहली बात यह है कि जब भी आप किसी से मिले आपके चेहरे के ऊपर हल्की सी स्माइल हो, हल्की स्माइल, प्रोफेशनल स्माइल। दूसरी बात यह है, एस से मुराद आप स्माइल हो गई, ई से मुराद आपका आई टू आई कंटेक्ट हो गया। कि जब भी किसी से मुलाकात करिए, बड़ा स्टूपिड बिहेवियर होता है कि आप किसी से मिल रहे होते हैं और देख उधर रहे होते हैं। सो इट इज समथिंग विच इज अनप्रोफेशनल, अनएथिकल। जब भी आप किसी से मिले, किसी छोटे बंदे से मिलते हैं या बड़े बंदे से मिले, सिविल डिपार्टमेंट में मिले या आर्म फोर्सेस मिल रहे हैं, जब भी किसी से मिले, एक तो ये कि उसके हाथ में हाथ और उसकी आंखों में आंखें मिलाकर ये जिंदगी का असूल बना रहे। और ये सुनत है नबी भी है कि आप किसी से बात कर रहे हो नीचे देख रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं और उधर देख रहे हैं, आप किसी से मुलाकात कर रहे हैं। सो इट इज वेरी अनप्रोफेशनल, अनएथिकल। सो जब भी किसी से मुलाकात करें, स्पेशली आर्मी के अंदर, तो ये चीज अगर आपको किसी अंदाज में ना मिले, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह आर्मी के मुस्तकबिल के ऑफिसर्स हैं, आप लोग जनरल हैं, आप लोग DGISI हैं, जरूर इसी में जाते हैं यार, वो फिर ऊपर से थोड़ी आते हैं। जनरल बिल्कुल कहाँ से गया था, जहाँ से गया था, मुशर्रफ कहाँ से गया था, जनरल बाजवा साहब कहाँ से गया था, सब पता लगा। जितने भी आपके जनरल्स हैं, जितने भी आपके DGISI हैं, उनकी प्रोफाइल आप लोग उठा के देखें, सबका ताल्लुक दूर दराज के देहातों से, मुतवस्सित तबके से, आप लोगों की तरह। तो क्या वो जा सकते हैं, तो आप लोग भी जा सकते हैं, यकीन। सो एक आपके चेहरे के ऊपर स्माइल, दूसरी बात यह है कि जब भी मुलाकात करें आप आई टू आई कंटेक्ट में करें, तीसरी बात यह है कि एक्साइटमेंट में हो। एक्साइटमेंट से मुराद यह है कि हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम सर। सो जो आपके अल्फाज हैं उसमें एक्साइटमेंट हो, अल्फाज में एक्साइटमेंट हो, आंखें आपकी मुतजस्सिस हों, चेहरे के ऊपर आपकी स्माइल हो। तो ये प्रोफेशनल तरीका है मुलाकात का। जब भी मुलाकात करें आप लोग इसी तरीके से करें और इसको हैबिट बनाएं, आज से इसकी प्रैक्टिस करें, चेयर पे बैठने की प्रैक्टिस करें, मुलाकात करने की प्रैक्टिस करें, इन और की प्रैक्टिस करें। आज से आप लोग जब जाएं यहाँ से, तो इन तमाम बातों के ऊपर आप लोगों ने प्रैक्टिकली अमल करना है, और 40 दिन ये प्रैक्टिस करें, 41 दिन ये चीज़ आपकी शख्सियत के अंदर आ जाएगी। ओके,